हिट फ्लो, स्टार्ट कर दीजिए। एक कल की क्लास में ही पढ़ने वाले थे कि आप पढ़ रहे थे हम लोग हिट फ्लो, हाँ, ये जिसको डिनोट कर रहे थे आपका क्यू से, यही कर रहे थे क्या? अरे तुम देखो यार, अब बताओ यहाँ पर क्यू का फॉर्मूला क्या था? तो क्यू इक्वल टू क्या था? के ए टी वन माइनस टी टू इन टू आपका टी अपॉन क्या था एल, यही फॉर्मूला था ना? यस सर। एक बार तुम है ना फिर से क्रॉस चेक करो, यहाँ पर टी था या नहीं था? टी था सर। टी था ना, हाँ ठीक। एक बात बताओ यहाँ पर बोल सकते हो टी वन माइनस जो टी टू है ये क्या है? देखो टेम्परेचर डिफरेंस, अरे क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, समझे बात? इसको क्या लिख सकते हैं क्या? डेल्टा टी, बोल ना, इसे पुट कर दो आपका, यानी हीट फ्लो इक्वल टू हो जाएगा के ए डेल्टा टी इन टू टी अपॉन कितना आ जाएगा के, ठीक है। अब देखो एक कभी कभी क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पर के को क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। कल बता दिया आप लोगों को, यस सर, ये यहाँ पर क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये बताता है कि कौन सा आपका बढ़िया कंडक्टर है, ठीक है। देखिए ये तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना यहाँ पर के का है ना यूनिट क्या होगा, के का आपका यूनिट क्या होगा, ध्यान दो। अगर तुम बात करो आपका एस आर यूनिट, एस आर यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ध्यान दो के का करना है क्या? ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे क्या, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा क्यू इन टू एल अपॉन कितना आ जाएगा बताओ? ए इन टू आपका डेल्टा टी इन टू कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू के, यही आएगा क्या? यस सर। हम लोग को निकालना क्या, देखो एग्जाम में है ना इससे पूछता है इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन वगैरह क्या होगा, ये बताओ यहाँ पर क्यू हीट है क्या? यस सर। तो हीट का बताओ क्या हो जाएगा? हीट का क्या हो जाएगा? अरे साहब एस आर यूनिट निकालना है ना कि डायमेंशन भी निकालना है, तो देखो क्यू हीट है ना इसका क्या एज्यूल हो गया, ये लेंथ है आपका कितना हो गया मीटर, एरिया देखो हो गया मीटर स्क्वायर, देखो डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस तो केल्विन आपका, और टाइम क्या हो जाएगा आपका सेकंड इक्वल टू आपका के, देखो मीटर में कैंसिल हो जाएगा यानी इसका जो यूनिट आ जाएगा के का आ जाएगा पर जूल पर जूल आपका क्या आ जाएगा पर मीटर सेकंड पर केल्विन आपका पर सेकंड, यही आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो है ना अगर क्वेश्चन ये पूछता है इसमें कि के का बताओ कॉमन यूनिट क्या होगा, कॉमन यूनिट क्या होगा, समझे बात? अब देखो कॉमन यूनिट का मतलब क्या है, इसको ये है ना सीजीएस में कितना होगा, तो बताओ सीजीएस में जूल को किस में आ जाता है, तो आर्ग में किस में आता है? अरे यार हीट का एस आई में किस में आपका जूल में, और इसमें किसका हो जाएगा आर्ग में हो जाएगा क्या है ना, इसको ऐसे नहीं बोल सकते आप, इसको कैलोरी में जरूर करते हैं, तो ऊपर लिख देंगे आपका कैलोरी, चलो भीगते हैं उसमें, इधर देखो अरे उसका क्या डिफेक्ट है ये बताओ, यहाँ पर मीटर किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर में, ये टाइम तो सेकंड ही रहेगा, यस सर, और मान लो आपका पर डिग्री आपका सेल्सियस, ठीक है। एक बात और, इसका तुम डायमेंशन निकाल सकते हो? यस सर। इसका अगर तुमसे अगर कोई पूछेगा कि भैया डायमेंशन निकाल के बताओ, चल मैं निकालता हूँ डायमेंशन, हालांकि ये मेरी बात नहीं है, देखो डायमेंशन अगर निकालोगे देखो ऊपर देखो जूल है क्या, तो इसका देखो डायमेंशन आ जाएगा के का, ये क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं ना, जब ये स्टार्टिंग पढ़ाते हैं तो उन बोलते हैं कि बताओ थर्मल कंडक्टिविटी का कितना डायमेंशन होगा, तो फार्मूला लिख के बताते हैं, समझे बात को? अब फार्मूला हम लोग को मालूम चल गया तो निकाल सकते हैं, देखो ऊपर देखो जूल है तो जूल का डायमेंशन कितना आ जाएगा ठीक है, नीचे देखो एम है मतलब कितना हो जाएगा, क्या है आपका देखो टेम्परेचर है ना तो केल्विन होगा, इसको लिखते हैं थीटा से, क्योंकि देखो टेम्परेचर भी कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, इन टू आपका सेकंड का कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना हो जाएगा ठीक है पावर वन, ये सब ऊपर तो भेज दो, तो मुझे लगता है कि इसका हो जाएगा एम ए के पावर वन टी के पावर आपका माइनस आर और टी के पावर कितना आ जाएगा माइनस, ये बताओ डायमेंशन किसका आ रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी का, समझे बात को? ये आप लोग यहाँ तक बोल दो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन कितना होगा, और कल एक बात आप लोग बताए थे कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल अलग अलग मटेरियल के लिए है थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है अलग अलग होता है, अरे कोई टीचर जब नहीं आता ना कर दूंगा।
जो भी है इसके तुम लोग है ना डायमेंशन वगैरह लिख ला लो रेट ऑफ हीट फ्लो इज कॉल्ड हो गया यस सर डब कर दे क्या ठीक जल्दी करो तू ही बहुत कम लिखती है नहीं लिखा रहा नहीं लिखा तो मिटा दे ठीक है वीर वाले को है ना इतना तेजी से लिखवाए हैं जो को सिलेबस छूट जाता है यार बच जाता है फिर लास्ट में लगता है क्या करें नहीं करें चलो हो गया yes, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ हीट करंट क्या होता है कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ हीट करंट तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ हीट करंट हीट करंट ये हीट करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल एस किसे करते हैं कैपिटल एस हीट करंट को डिनोट किसे करते हैं कैपिटल एस से और हो गया क्या यस सर देखो एक बार बताओ और देखो यार बताओ देखो ये तुम लोग है ना 10th क्लास में करंट का तुम डेफिनेशन पढ़ा है करंट इक्वल टू क्या होता है करंट इक्वल टू होता है आपका चार्ज होता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उन्होंने क्या बोलते थे करंट बोलते थे हीट करंट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफरेट ऑफ हीट है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये तुमसे अगर कोई बोलेगा ना कि हीट करंट क्या होता है तो जिस रेट से हीट फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हीट करंट बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका हीट करंट बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ आपका हीट है ना यानी बोल सकते हैं आपका हीट करंट को डिनोट करने से ये इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू बाय आपका ये है क्या कोई दिक्कत नहीं ना अगर मान लो कि देखो बहुत अगर स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ क्यू कन्वर्ट कर जाएगा डी क्यू में और मान लो बहुत कम समय है तो डी का कन्वर्ट हो जाएगा आपका डीटी में यानी बोल सकते हैं आपका एच इक्वल टू हो जाएगा आपका डी की कोण आपका डीटी अब देखो डिफरेंशियल जो फॉर्म ये हीट करंट का है ये तुम लोग कब निकालना है जैसे मान लो कहीं वेरी कर रहा है मान लो अपने पास एक कंडक्टर है अपने पास एक कंडक्टर है मान लो ऐसे कंडक्टर अब देखो ये जो कंडक्टर है आपका इसमें क्या है आपका देखो वेरी क्या कर रहा है आपका एरिया वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है देखो यहाँ पे एरिया इतना है और यहाँ पे देखो इतना एरिया छोटा है समझे बात यानी कहीं पे अगर मान लो कि अगर एरिया का चेंज कर रहा था इस फॉर्मूले के यूज करेंगे ठीक है और प्लस आगे बढ़ते देखो अभी तुम लोग बताए थे क्यू का फॉर्मूला क्या होता था क्यू इक्वल टू था के ए डेल्टा टी टी बाई क्या था यही था क्या हीट का फॉर्मूला के ए टी वन माइनस टी टू टी अपॉन एल था इसमें पुट कर दो यानी हीट करंट का फॉर्मूला आ गया एच इक्वल टू यहाँ से अगर करोगे देखो डिवाइड अगर करोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा हो जाएगा क्या ऊपर टी नीचे टी कैंसिल हो जाएगा यानी बस ये क्या जाएगा बताओ के ए डेल्टा टी बाई कितना आ जाएगा हो गया क्या यस सर यही देखो तुम लोग हीट करंट का क्या है फार्मूला क्या है आपका हीट करंट का फार्मूला है के ए डेल्टा टी यहां पर के क्या है बताओ थर्मल कंडक्टिविटी यहां पर के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी इसके बाद के क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा टी क्या है बताओ टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा टी क्या है टेंपरेचर डिफरेंस और एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर
एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो हिट, जिस रेट से हिट फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट करंट। तो अनुप्रिया जी सर आप वहां पे कुछ छोड़े हैं क्या, छोड़ रहे हैं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं छोड़ते हैं, एक ही चीज है फिजिक्स में, कुछ नहीं हम छोड़ते हैं, समझे बात। तो किसी कंडक्टर में जिस रेट से हिट फ्लो करता है उसी का बोलते हैं हिट करंट। हिट फ्लो तभी करता है जब इंट के क्रॉस क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा हिट फ्लो नहीं करेगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो डेल्टा टी का मान जीरो हो जाएगा। आज टीवी में क्या लाई बोलना, तो बढ़िया चीज लाना चाहिए, दूरदर्शना करना चाहिए, ये लोग कैसे लोग नहीं आ रहे। अरे हो गया बस, कल पढ़ा दो सर। हाँ सर, नाम ले लो टीचर का। हो गया, ये देखो देखो यार, देखो तुम लोगों से अगर कोई पूछे कि बताना है जो हीट करंट है कब फ्लो करेगा, जब उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे मान लो देखो, ये अगर मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, ये भी मान लो आपका है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये भी आपका कितने पे, आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे, समझे बात। तो क्या इसमें हीट करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, इसमें अगर डेल्टा टी अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डीवर माइनस आपका T2, यानी आपका 20 माइनस 20 कट कितना आ गया, जीरो। अब देखो डेल्टा टी अगर जीरो आ जाएगा तो पूरा मान कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रहा है। किसी भी कंडक्टर में देखो हीट करंट, हीट देखो तभी फ्लो करता है जब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब यही है, एक होगा हाई टेम्परेचर पे, दूसरा किस पे होगा आपका, लो टेम्परेचर पे, तब में कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, देखो ये का मान कभी जीरो नहीं होगा, एरिया अगर मान लो तुम्हारे पास कंडक्टर है, ये कभी जीरो नहीं होने वाला, लंबाई कभी जीरो नहीं होगा, तो जीरो क्या होगा, टेम्परेचर, समझे बात। यानी कहने का मतलब अगर ये अगर है इसका मतलब ये होना जरूरी है, बाकी ये तो ऑटोमेटिक दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा करो, कुछ करते हैं क्वेश्चन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ताकि तुम लोग के मन में आइडिया बैठे, ये बाकी बकवास तुम कर सकते हो, यूनिट वगैरह क्या होगा ये सब नहीं बताना। ठीक है, फैकल्टी बताता है सब, ठीक है, निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, मान लो कुछ देखो। देखो डायमेंशन में क्या है कि जिसको फॉर्मूला याद है तब निकाल लेगा, समझे बात। ठीक है, एक न्यूमेरिकल तुम लिखो, चल एक तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, आज हो गया। एक क्वेश्चन ये है, देखो यार, कि अपने पास एक कॉपर क्यूब है, अपने पास एक कॉपर क्यूब है, समझे बात, और इसका साइड का लेंथ दिया है आप लोगों को 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ टू इंच, टेम्परेचर ऑफ टू इंच तुम लोगों को दिया हुआ है, एक है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा कितने पे है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर, और थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर का आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 400 वाट अपॉन मीटर आपका पर डिग्री आपका सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द, व्हाट इज द, what is the rate of flow of heat? तो बोल रहा है कि हीट फ्लो करने का रेट क्या होगा, हीट फ्लो करने का रेट क्या होगा, समझे बात को, हीट फ्लो करने का रेट क्या होगा। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज मत हो, इधर देखो, हां देखो यार, यस ए, यहां पर देखो जो के का जो यूनिट है तुम लोग इसमें दिया आपका वाट, डब्ल्यू का मतलब क्या वाट है, ध्यान दो, यहां स्पेसिफिक करता हूं, देखिए
तो के कहीं आया था क्या ध्यान दो, के का हम यूनिट अभी क्या निकाल रहे थे, के इक्वल टू निकाल रहे थे आपका जूल पर मीटर, क्या था पर केल्विन और पर सेकंड, यही था क्या? यस सर यही था ना। और देख ना, देख क्वेश्चन में वाट दिया है क्या, बताओ वाट किसका फार्मूला है, पावर का है क्या, वाट किसका फार्मूला है पावर का, बताओ पावर फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है डब्ल्यू डब्ल्यू कितना होता है, अब बताओ डब्ल्यू वर्क है ना, वर्क का मेजरमेंट किसमें करते हैं जूल में, और ठीक है किसमें करते हैं सेकंड। तो देखो यहाँ पे जो तो है ना जूल जो पर सेकंड दिखाई दे रहा है, क्या इसके अंदर वाट लिख सकते हैं क्या, यानी एक एक और फार्मूला आ जाएगा, उसको लिख देंगे आपका वाट, और नीचे कौन सा आ जाएगा मीटर आपका पर केल्विन या पर सेंटीग्रेड, वही आएगा समझे बात। यहाँ देखो मीटर सही है, यहाँ केल्विन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीग्रेड, समझे बात। यानी तुम बोल सकते हो के का एक और ये भी यूनिट हो सकता है, इन्हें कंफ्यूज कर देना कि सर इसमें क्या दे दिया, ऐसा करके उसको छाप दो और इस न्यूमेरिकल को तुम सॉल्व करो, इस न्यूमेरिकल को तुम लोग है ना सॉल्व करो। न्यूमेरिकल क्या है, अपने पास एक क्यूब है जिसके हिट फ्लो कर रहा है एक हिट से दूसरे हिट के बीच में, तो बताना है ना उसमें किस रेट से हिट फ्लो कर रहा है, तभी करंट का तुम लोग बताना है कि फॉर्मूला, जल्दी करो तुम लोग। तो केक का यूनिट है ना वाट में भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वाट पर नाम चला तो वहां बताया था आप लोगों को। बताना इसका फॉर्मूला कितना आया, मतलब इसका आंसर क्या, और ए जो आपका कितने पे आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरा वाला इंड कितने पे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इंड पॉइंट तो टेंपरेचर का डिफरेंस है, yes, सर देखो हीट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हीट करंट निकालना है क्या, तो हीट करंट का फार्मूला है आपका ए जी इक्वल टू के ए डेल्टा टी का कोण कितना होता है, यानी ए जी इक्वल टू आपका के का मान तुम लोगों को देखो दिया हुआ, कितना दिया हुआ 400 वाट दिया हुआ है क्या, यस सर 400 देखो वाट दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ एम का मतलब क्या है मीटर में, समझे बात को, ठीक है। अब बताओ ये एरिया है ना, तो बताओ इसका देखो एरिया का मतलब, देखो एक बात ध्यान देखो कि जब भी अगर देखो किसी कंडक्टर की अगर हीट अगर फ्लो करता है तो एरिया क्या होता है, उससे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इस वाले केस में देखो अगर हीट मान लो कि देखो अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान दो, अरे देखो
हीट मान देखो ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका एरिया लेंगे ना जी। यस सर। यानी इस वाले केस में देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ये एरिया इसका लेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, यानी मुझे लगता हो जाएगा 10 गुना 10 होगा क्या, कितना हो जाएगा 100, लेकिन देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा तो क्या करेंगे 10 के पावर कितना कर देंगे -4, तब किस में जाकर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्यों k का मान यहां किस में आपका मीटर में, और डेंसिटी कितना होगा 100 -0 कितना आ जाएगा 100 अपॉन आपका l, लेंथ है कितना है इसके आसपास कर रहा है क्या, तो लंबाई देखो कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर कितना आ जाएगा -2। सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में कर दिए मीटर में, कोई दिक्कत है नहीं ना, एक दूसरे का और कट गया, ये दोनों का कैंसिल हो गया पूरा, कोई दिक्कत है क्या, ये आपका नीचे आपको बच गया क्या, तो ऊपर चल जाएगा एन जी कर्ट देखो 40 था और 10 ऊपर चल गया ये 2 चल जाएगा, यानी एन जी कर्ट कितना आ जाएगा 4000। धन्यवाद। आपको वितरण निकाल रहे क्या, इसका बताने ही क्या हो जाएगा, सब संकट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल पर आपका, क्योंकि ये देखो एच का फॉर्मूला क्या है आपका क्यू बाई टी है ना, जूल पर सेकंड आ जाएगा। ये तुम लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। आई मोहतरमा, तुम्हारा जो 5 आ रहा था कहां से आ रहा था 5 जी? हो गया? यस सर। चलो भी अब करें इधर, टेक दे दे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। टेक रफ करो, ये तुम लोग है ना सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना थोड़ा ईमानदारी से सॉल्व करना, ये जो क्वेश्चन है तुम लोग है ना ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक हो गया क्या? इधर देखो, एक क्वेश्चन ये है, ध्यान देने को, कि अपने पास एक कंडक्टर है, अपने पास क्या है बताओ, एक कंडक्टर है ना, ये अपने पास एक कंडक्टर है और इसका लेंथ कितना दिया हुआ आप x, इसका जो लेंथ है ये कितना दिया हुआ आप लोगों को x दिया, समझे बात? अब क्या किए हैं देखो, इसके एंड पे हम वाटर रख दिए, इसके एंड पे क्या रख दिए आपका वाटर रख दिए, और वाटर कितने पे आपका 100 डिग्री आपका सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत है क्या? और दूसरे एंड पे क्या रख दिए, आइस रख दिए, कितना रख दिए आपका आइस रख दिए, और आइस कितने पे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये मान लेते हैं ना कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी कितना है आपका k, और इसमें हीट जो फ्लो कर रहा है t टाइम के लिए कर रहा है, कितने के लिए कर रहा है आपका t के लिए कर रहा है, समझे बात? अब इस केस में क्या हुआ, बंद हो रहा है तो t टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो ये देखा गया है कि जो आपका यहां से हीट फ्लो किया तो आइस जो मेल्ट किया, तो मेल्ट किए हुए का मास कितना है आपका m1, कितना मास है आपका m1, समझे बात? ठीक है, एक अपने पास एक और कंडक्टर है और इसका जो लेंथ कितना है तुम लोगों को 4x, और इसके एक एंड पे यहाँ पे आइस रख दिए कितने पे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरे एंड पे क्या रख दिए वाटर रख दिए कितने डिग्री से पे 100 डिग्री आपका सेंटीग्रेड पे, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी कितना था 2k, और कितने समय के लिए हीट फ्लो किया आपका टी टाइम के लिए, इसमें जो आइस जो मेल्ट किया उसका मास कितना था आपका m, बात समझ में आ रहा है? तो तुम लोग जो क्वेश्चन निकालना है देन फाइंड रेशियो ऑफ m1 अपॉन m2 का रेशियो कितना होगा, समझे बात को? इसका निकालना है, इसके जो ऑप्शन ए है 4:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:4, और ऑप्शन डी है 1:2, ये बताना इसमें कितना होगा, तब हिट फ्लो करेगा तो मेल्ट करेगा, मेल्ट करेगा तो अरे तुम लोग क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। वो भी ऐसी बात है,
और यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं देकर तुम लोग क्या दे दिया, वाटर दे दिया, एक वाटर के 100 पे दूसरा आइस रख दिया, अभी भी क्या हो गया, देखो टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, हीट फ्लो करेगा करेगा, अब दिमाग लगाओ, थर्मल कंडक्टिविटी हुआ नहीं, ये तुम लोग है ना, इधर देखो, नहीं बनेगा, इधर देखो, और नहीं भी करता है बनेगा था, इधर देखो कितना आ गया, अनु जी बोलिए ना जी, बी नंबर आया, टू रेशियो वन, तुम्हारा किधर आया, दिखा देगा किधर आया तुम्हारा, फॉर्मूले गलत है, मास रेशियो निकाल रहा है, ये तो रेशियो निकाल दिए, वाह आपका शकल किधर है, ये शकल है क्या, तुम दिखाओ, गलत है, आंसर सही है, तुक्का लगा दिया लेकिन गलत, तुम दिख पीछे नोटिस कर लिया तुम, पता किया है, लिखा किधर किया, घर छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, सब झूठ बोलने के लिए मेरे पास खुला हुआ है, इधर देखो ये तुम लोग है ना, इधर देखो ये लड़की, इधर देखो, देख देख
फॉर्मूला होता है क्या एच वन करंट निकल टू क्या होता है आपका हीट अपॉन टाइम होता है नहीं होता है क्या यहाँ से बोल सकते हैं आपका क्यूवी कर टू आपका एच वन में कितना आ जाएगा टी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखो आपका यहाँ हमारे हीट करंट कितना है आपका एच टू तो क्या बोल सकते हैं हीट करंट एच टू इक्वल टू आपका हीट फ्लो अपॉन टाइम यानी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा एच टू बाई कितना आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं आप देखो ये तुम लोग इस बात की इमेजिन करो देखो जैसे जैसे देखो यहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगा तो क्या होगा इसका आइस देखो मेल्ट करेगा yes, मेल्ट करने के बाद जो आइस मेल्ट करता है तो क्या बनता है आपका वाटर बनता है यानी बताइए इस वाले केस में क्या चेंज कर रहा है मुझे लग रहा है कि देखो फेज चेंज कर रहा है yes, पहले जब आइस था देखो सॉलिड फॉर्म में था मेल्ट करके वाटर बनेगा किस फॉर्म में आएगा लिक्विड फॉर्म में यानी करने वाले बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू मिल रहा है ये क्यू आपका कौन सा हीट हो जाएगा लैटेंट हीट हो जाएगा और तुम बताए थे कल लैटेंट हीट का फार्मूला क्या था आपका एम इनटू आपका ए समझे बात तो इसमें आपका मास इवन मेल्ट कर रहा है क्या इसका आइस का तो कितना लिखेंगे आपका एम1 इनटू ए इक्वल टू एक बार बताओ एम1 इनटू आपका ये नहीं आएगा ना ठीक है एम1 इनटू कितना आ जाएगा ए अब बताओ ये तो हीट करंट है क्या तो फार्मूला क्या होता है के ए क्या होता है के ए डेल्टा टी अपॉन कितना आता है ए यही आता है क्या इनटू के टी आ जाएगा यानी देखो एम1 इनटू आपका ए इक्वल टू के थर्मल से कंडक्टिविटी कितना के ही है क्या के एरिया कितना दिया हुआ है कुछ नहीं दिया है क्या एरिया दिया है एरिया से दोनों का कट गया है अगर कोई इसमें सिमेट्रिकल होगा इसमें क्या होगा दोनों सिमेट्रिकल होगा हां ये दोनों सिमेट्रिकल था तो एरिया कितना ये हो जाएगा अब बता देखो डेल्टा टी इसमें कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा टाइम टी आ जाएगा और लेंथ कितना दिया इसका दिया हुआ है x इसको इक्वेशन क्या मान लो आप लोग 1 इसमें चलो देखो इसमें देखो सेम कैसे ही होगा यहां से फ्लो करेगा आइस देखो मेल्ट करेगा मेल्ट करके बताओ कितना बनेगा वाटर बनेगा और वाटर अभी किस पे होगा आपका 0 पे समझे बात देखो लैटेंट हीट में जो हीट देते हैं वो क्या करता है बॉन्ड को ब्रेक करने में जाता है समझे बात स्पेसिफिक हीट में जो मतलब हीट देते हैं वो क्या करता है टेंपरेचर राइज करवाता है यानी यहां क्या बोल सकते हैं आपका m2 * आपका ये इक्वल टू आपका h2 * फार्मूला कितना लिखेंगे k इसे k का मान कितना होता 2k है क्या k है एरिया तो सेम ही रहेगा डेल्टा t कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 - 0 * आपका t और a के जब कितना लिखे बताओ 4x अब दोनों का तुम रेशियो लगा कर m1 * m2 यानी इक्वेशन 1 को तुम 2 से अगर डिवाइड कर दोगे देखो इधर m1 है इधर कैसा आ जाएगा बताओ m2 है खत्म हो जाए एयर से मर गया देखो दोनों केस में यहाँ पे देखो वाटर चेंज कर रहा है यहाँ पे एरिया कैसे सेम हो सकता है अरे क्वेश्चन भूल गया बोलना तुमने सिमेट्रिकल समझे बात तो इस वाले केस में क्या है क्यों सेम हो सकता है इसी केस में अगर तुम रेशियो होते कितना है बताओ सर अरे न्यूमेरिकल है भैया एक्स ऊपर कितना भेजे जाए 4x नीचे कितना आ जाए बताओ 2ka 100 इनटू आपका t है ये क्या देखो ये पूरा कट गया क्या ये x x मर गया और 200 पर 2 कट गया यानी ये कितना बच गया m1 / m2 ये कट कितना बच जाएगा आपका 2:1 यानी कौन सा सही हो जाएगा ये h1 / s2 का रेशियो लाते हैं मास में आ रहा है तुम लोग है ना बढ़िया क्वेश्चन था नोट करो अगर रेशियो निकालना है तो कहीं ना कहीं लोचा तो होगा ना फट जाएगा सब रेशियो लेके ये क्वेश्चन बढ़िया के साथ करते हैं बर्मा सर की बुक से है या पांडे सर की बुक से होगा टेम्परेचर ग्रेडिएंट Thank you.
कर देंगे ठीक है। बोल यार कर दे क्या? यस सर। ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट आगे तुम लोग फूड मैकेनिक्स में पढ़ोगे आपको, वहां पर क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। फूड मैकेनिक्स में एक वर्ड है वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी पर इंक्लाइन, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। हो गया, एक तुम लोग है इधर देखो, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, समझे बात? देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, बताओ, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका क्या होता है बताओ? डी टी अपॉन कितना होता है डी ए, डी टी क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर डी टी क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर। और डीएल क्या है आपका? चेंज इन लेंथ। नहीं समझ में आ रहा होगा, चेंज इन आपका आगे तुम लोग फ्रूट में कहीं समझाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट, समझे बात को? वहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? लेंथ होता है। तो मैं थोड़ा सा तुम समझाता हूँ, ये तुम लोग है ना ऐसे इमेजिन किए हो क्या कि ये ग्लास लेना, क्या लेना? ग्लास लेना ठीक है, ग्लास में कुछ पानी भर देना ठीक है, इसका साइन क्यों नहीं लिखा? किसका साइन? क्या करना तुम्हें पानी में तुम्हें डालोगे है ना, उन्हें डालोगे ऐसे तुम फील होगा ना कि वाटर के जो ऊपर का जो लेयर है वो तेजी से घूमता है। yes, sir. और तुम जिस बॉटम में जाएगा तो उस केस में क्या होता है? वाटर को घूमता लेकिन धीरे धीरे। yes, इसका मतलब क्या है कि लेयर बाय लेयर क्या करता है? चेंज कर रहा है उसका। yes, लेयर बाय लेयर क्या कर रहा है? उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। एक तुम इमेजिन किया जैसे मान लो कि नदी का फ्लो करता है ना, तो वाटर का ऊपरी जो लेयर है वो तेज फ्लो करता है, जैसे वो नीचे जाएगा तो पानी धीरे फ्लो करता है। इसका मतलब क्या है कि लेयर बाय लेयर उसका क्या चेंज कर रहा है? वेलोसिटी चेंज कर रहा है, समझे बात? वहां पे ऐसे बताते हैं कि उसी बोलते हैं आपका वेलोसिटी चेंज करेगा, लेकिन कैसे? लेयर बाय लेयर करेगा। वैसे तुम लोग बताया था अभी डायग्राम में कल वाली क्लास में कि मान लो किसी कंडक्टर में अगर मान लो कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस बताओ? टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो बता दें तुम लोगों को एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट में जैसे मान लो है ना इसका ये पॉइंट मान लो, इन पॉइंट इसका कौन सा पी मान लो, तो यहाँ पे देखे था कि हम मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे कितना था? 80 सेंटीग्रेड था, यहाँ पे कितना था आपका? 60 था, यहाँ पे कितना था आपका? 40 था, और यहाँ पे कितना मान लो आपका? 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, यही था क्या? यानी इस वाले केस में देखो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है आपका जो टेम्परेचर देखो चेंज कर रहा था ना। yes, भाई बोल रहा था यहाँ पे अगर 100 होगा तो यहाँ पे 100 होगा तो फिर थोड़ा फ्लो करेगा नहीं ना। यानी इस वाले केस में अगर देखोगे देखो 100 मान लो यहाँ पे हो जाएगा, 80 देखो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसका अगर मान लो लेंथ 60 का देखो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, 40 का और आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या एक बात बताओ, ग्राफ ऐसे बनेगा क्या? है ना? यस सर। ग्राफ ऐसे बनेगा क्या? इस वाले मान लो यहाँ पे हाई पे इसका देखो हो गया, यानी इसका तुम ग्राफ बनाओगे, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या? हीट फ्लो करता है तो है ना यूनिट लेंथ में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। इधर मान लो आपका टेम्परेचर का ग्राफ है और इधर मान लो आपका डीएल का ग्राफ, लेंथ का ग्राफ, समझे बात? देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि देखो पहले हाई टेम्परेचर पे 100 पे, फिर देखो घटते घटते किस पे आ जाएगा? 0 मतलब 20 पे, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा क्या? कोई बोल ना, ये आपका क्या हो जाएगा आपका? नहीं देखो घट रहा है, देखो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो डिपेंड करता है ना किस एंड से ग्राफ बना रहे। देखो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है आपका, हाई टेम्परेचर है फिर देखो घटते घटते जा रहा है। अगर मान इस एंड से अगर देखोगे तो पहले देखो 20 पे और धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका? बढ़ते जा रहा है। यानी ये ग्राफ देखो ऐसे ही बन सकता है, ये जो ग्राफ कहाँ से बना आपका? ए एंड से। ये कहाँ से बन रहा है आपका? ए एंड से। अगर बी एंड से अगर तुम बनाना चाहोगे, इधर देखो आपका ग्राफ किसका हो जाएगा? डी टी का, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस का। इधर किसका है तुम लोगों का? डी एल का। अगर तुम बी एंड से निकालोगे देखो बी एंड में क्या है? टेम्परेचर देखो कम है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर लेंथ अगर यहाँ पे है तो टेम्परेचर कितना? 20 है, मतलब ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा।
एफिशिएंट से है आपका। अगर देखो एयर का मान यहां पे देखो 20 का मान टेंपरेचर का, फिर देखो एयर का मान बढ़ते गया, टेंपरेचर भी बढ़ते गया, नहीं बढ़ रहा है क्या? यस सर। यानी अगर 20 से देखोगे तो ग्राफ ये होगा, ये से देखोगे तो ग्राफ। और बोलो आप। यस सर। साइन किसका दिखाएंगे यार इस केस में? और स्लोप किसका, ये जो ग्राफ देगा तुम स्लोप, स्लोप क्या देगा? dt / कौन सा दे देगा? dA। इस ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप का मतलब tan थीटा। क्या हो गया? स्लोप का मतलब क्या है? हां तुम क्या बोल रहे हो बोलो जी, कौन सा साइन? इसका सर बोला यूनिक एक कुछ दिवस से नहीं पर बोला, सिंपल चीज यार, जानने वाली चीज है ठीक। और एक फल यूनिट थोड़ी होता है टेंपरेचर ग्रेडिएंट, मतलब समझना आया कि अगर हीट फ्लो करे सीधे स्टेप में, हर एक सेशन में क्या होगा टेंपरेचर डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा बस। सम 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 टेंपरेचर का डिफरेंस हो जाएगा सर, हम जिंदगी में जिएंगे कैसे? जिए तो जिए कैसे ठीक हो गया चल। एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है? एक कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ थर्मल रेसिस्टेंस। यहां से तुम लोग का फॉर्मूला फिर तैयार हो रहा है, थर्मल रेसिस्टेंस। ये थर्मल रेसिस्टेंस डिनोट करते हैं आरटीएस। पीएस का मतलब क्या है? थर्मल। और आर का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस। आर का क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है क्या? और ये तुम लोग है क्या? देखो देख रहे क्या? एक बार बताओ, ये 10th क्लास में तुम लोग है ना, इसका तुमने पढ़ा था डिफरेंशियल रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो करंट को क्या करता है? पहुंच करता है। समझे बात को? है ना। यानी देखो तुम लोग इसमें से एनालॉजी कर सकते हैं क्या? अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना यार कि सर हम 10th क्लास में थोड़ा बहुत जाने किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में जाने आप? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हीट करंट पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्या? यस सर, हीट करंट पढ़ रहे हैं। सही है। अब तुम लोग देखे रोटेशन में कुछ कंपेयर किए थे, फोर्स होता है, टॉर्क होता है, स्पेशन होता है, समझे बात को? ऐसे करने से क्या होता है कि बच्चा लोग के माइंड में फिट बैठ जाता है। ठीक है, इधर देखो ये जिस तरह से इसको जब अगर कंपेयर करते हैं इसको बोलते हैं एनालॉजी। बोलते हैं क्या? बोलते हैं एनालॉजी करना, है ना। ये बहुत कमी टीचर बताते हैं, कई लोग बोलते हैं रटा मार लो इसको, याद हो जाएगा। देखो ये पता नहीं इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, करते हैं क्या? यस सर। और हीट करंट को देखो यहाँ पे डिनोट क्या कर रहे हैं किसे? आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ वहाँ पे तुम्हारे जो सर थे जो भी तुम्हारे पढ़ाए होंगे
तुमसे अगर बोले ना कि बताओ ये आपका इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कैसे करता है, वाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ये देखो वहां पे देखो सिंपल से इसका आंसर था बिकॉज ऑफ आपका वोल्टेज डिफरेंस, ये है ना बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यही था ना? यस सर, पोटेंशियल डिफरेंस था, तब तक क्या हो रहा था उसमें करंट फ्लो कर रहा था, यही कर रहा था ना। और तुझे बताना है हीट करंट कब फ्लो करता है ना, जैसे वाई हीट करंट फ्लो। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज ऑफ क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, यही है ना। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस अगर नहीं होगा है ना तो हीट करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों सिमिलरिटी है, बताओ इसमें जो हीट करंट निकाले थे ओम्स लॉ निकाले थे क्या? बताओ डेल्टा वी इक्वल टू फार्मूला कितना था, आई इनटू आर था क्या? यस सर। यानी यहां से आई इक्वल टू क्या निकाले थे आपका, डेल्टा वी अपॉन क्या था आपका, आर, यही बोले थे ना। यानी देखो हीट करंट देखो तभी था जब उस वाले रेसिस्टेंस में क्या था पोटेंशियल का डिफरेंस था, यही था ना। इसमें क्या था पोटेंशियल का डिफरेंस था, यही था ना ओम्स लॉ, आई इक्वल टू आपका डेल्टा वी अपॉन आर, ये था आपका तब करंट फ्लो कर रहा था, फिर आर का कभी जीरो होने वाला नहीं अगर मान लो कंडक्टर वगैरह है तो। अब देखो इसमें अभी तुम लोग बताए थे कि अगर तुम लोग निकालना हीट करंट तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या था, एच इक्वल टू क्या था बताओ, के ए डेल्टा टी अपॉन कितना था आपका, यही था क्या? अब ध्यान दो, ये अगर देखो सब कुछ अगर सेम है तो है ना, मैं थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार तो इस फॉर्मूला के ऊपर देखो डेल्टा भी है और डेल्टा भी बताओ किसके सिमिलर हो जाएगा आपका, डेल्टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच अपॉन डेल्टी में ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एल अपॉन के, कोई दिक्कत है क्या? अरे के नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चल जाएगा। अब देखो आई है तो एच बराबर है, कोई दिक्कत है क्या? यानी ए और ए तो दोनों बराबर आ रहा है। यस सर। अब देखो ऊपर देखो डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें देखो टेम्परेचर डिफरेंस आ गई। अब बताओ आर के जगह कौन आ रहा है, आर के जगह डिफरेंस टर्म आ रहा है क्या, और इसी वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं थर्मल रेसिस्टेंस। यानी यहां जो थर्मल रेसिस्टेंस का जो फार्मूला आ जाएगा RTH इक्वल टू आपका गेल अपॉन कितना होता है KY। तो किसी भी देखो इंडक्टर का तुम लोगों को थर्मल निकालना है रेसिस्टेंस तो फार्मूला कितना होता है L अपॉन K इनटू A। यहां पर L क्या है उस कंडक्टर का लेंथ ऑफ कंडक्टर, समझे बात? ये क्या इस फार्मूला में बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्या है आपका क्रॉस सेक्शन, और इस केस में K क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, K क्या है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, समझे बात? यस। अब देखो सिंपली हम लोग है ना यहाँ से कंपेयर करके किसका फॉर्मूला निकाल लिया तुम लोग थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल किसका रेसिस्टेंस का, समझे बात? क्या तुमसे अगर कोई पूछे नहीं बताओ थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है, देखो ये करंट को पोज करता था वो हीट को पोज करेगा, किसको पोज करेगा, हीट को पोज करेगा। और देखो जैसे मान लो हीट अगर फ्लो करता है कंडक्शन मेथड में तो क्या होता है वाइब्रेट करता है, तो हो सकता है कोलिजन करेगा तो उसको ब्रेक भी करेगा, समझे बात? ठीक हो गया क्या? नहीं ना। ये तुमसे अगर मान लीजिए कोई यूनिट अगर पूछेगा तो ऊपर देखो मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इसका के का कर दोगे तो निकल तो जाएगा ना, बेसिक बात पे कोई दिक्कत तो नहीं ना। इधर देखो ये बताओ तुम 10th क्लास में रेसिस्टेंस का जो फार्मूला तुम पढ़े थे R इक्वल टू पढ़े थे क्या आपका रो इनटू आपका L अपॉन, पढ़े थे क्या? यस सर। यहां पर रो को हम क्या बोल रहे थे रेसिस्टिविटी, L क्या था लेंथ ऑफ कंडक्टर और ये क्या था एरिया ऑफ सेक्शन। अगर तुम लोग ध्यान से अगर कंपेयर करो देखो जहां पर लेंथ है वहां पर लेंथ, जहां पर देखो नीचे एरिया है यहां पर वे एरिया है, यहां पर रो क्या था कांस्टेंट था और याद हो तो फार्मूला था। यस। हालांकि अब 12th क्लास में है ना डिस्कस करेंगे तो यहां बताओ कांस्टेंट कौन आ गया, क्या आ गया, हमारा पॉइंट क्या आ गया, समझे बाबू? अगर ध्यान से देखो दोनों फार्मूले को सिमिलर ही है लेकिन हम लोग इसको भूल जाना पुराने प्यार को, इसको याद करो किसी है ना कंडक्टर का अगर मान लो निकाला जैसे सेक्शन फार्मूला कितना होता है L / K / A, समझे बात को? ठीक। अब क्या करें सुनो, अब देखो आर का मान निकाल गया तो फिर वहां तुम्हारे सर क्या किए थे सीरीज में कॉम्बिनेशन निकाले थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले थे। yes, यहां भी क्या करेंगे दो कंडक्टर जोड़ेंगे सीरीज में पैरेलल में फिर कुछ फार्मूला वगैरह निकालेंगे। यहां तक तुम लोग नोट कर लो थर्मल रेसिस्टेंस का जो फार्मूला आ गया तुम लोगों को L / K / A, यहां पर आर एच क्या है थर्मल रेसिस्टेंस। सर इतना फार्मूला हम कहाँ पर लेके जाएंगे सर, चिंता मत करो ढाई तीन हजार फार्मूला तो ही जाता है 12th में जाते जाते फिर बचा फार्मूला याद नहीं रहता, मेरे लिए बहुत बुरी बात है, बचा रहा था 10th में 95% 98% 88%,
पापा हम साइंस लेंगे, साइंस लेंगे। आज साउंड मुझे बात लेकर बैठ। लड़का कोठा पढ़ना भी जाता है सर। आईआईटी निकाल ले सर, इस बार तो जीप में मेरे से है ना, एम्स में चले जाएंगे। उसने बेटा तुम 40 सर मेडिकल आया दिखा दो, 500 क्वेश्चन सर आने दो सर, हमारे लिए बढ़िया एकदम होंगे, कटीजे कॉलेज सही। किसी भी रेसिस्टेंस का तुम लोग को निकालना है, मतलब कंडक्टर का रेसिस्टेंस, तो फॉर्मूला होगा एल अपॉन के इनटू। चलो हो गया। यस सर। हाँ यस सर। ये तुम लोग है ना, बैठ दे इसको। यस सर। आज एक बार बताओ, यहाँ जो फॉर्मूला ये आया ध्यान दो तुम लोग, ये जो फॉर्मूला ये आया ना तुम लोग देखो, ए जी कंट क्या बताओ, डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के है क्या, बोल ना। यस सर। एल अपॉन के है, ये बताओ हिट करंट है ना। देखो एल अपॉन जो के है इसको हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं क्या, यहाँ बोल सकते हैं। अगर मान लो कि अगर हिट करंट निकालना है, कितना लिख सकते हैं आपका डेटा टी कौन, कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। जैसे इस वाले में लिख सकते हैं आपका करंट इक्वल डेटा बी अपॉन R, ठीक है क्या? इसमें क्या लिख सकते हैं आपका हिट करंट इक्वल टू डेटा टी अपॉन R, ये फॉर्मूला ओनली बोलो, ये भी लिख सकते हैं आपका, यानी ये क्या एच यहाँ पर क्या हिट करंट, ये तुम लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए यार। एच का मतलब क्या है, हिट करंट इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलो सर हम क्या करें, सर जिंदगी हो गया। चलो ठीक है, डेल्टा टी अपॉन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। चलो बहुत भाई काफी अच्छा, इधर देख ये तुम लोग है ना, एक इस तरह से रेसिस्टेंस का था कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कंबाइन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, हेडिंग लगा तुम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, और इसमें फर्स्ट हम निकालेंगे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्या निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे वहां होता ना सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस सर, वहां पे रेसिस्टेंस को ऐड करते थे, यहां पे किसको जोड़ेंगे, कंडक्टर को, समझे बात को, इधर देखो हो गया मुकदमा, हो गया। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान दो, देख रहा क्या बताओ, इसे मान लो है ना कि अपने पास एक कंडक्टर ए है, ध्यान देना, ये मान लो कि कॉपर का रॉड जिसका लेंथ कितना l1, कितना रॉड है इसका लेंथ कितना l1,
और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी कितना मान के बैठे हैं आपका Q, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसके बगल में एक और रॉड मान लो चिपका दिए, जोड़ दिए, समझे बात। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना मान के बैठे हैं आपका K2, और लेंथ कितना मान के बैठे हैं आपका। ये तुम लोग को अगर थोड़ा सा अगर नॉलेज अगर ध्यान होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ऐसे होता था क्या, ये मान लो कि ये R1 हुआ लेकिन यहाँ पर इसका केस तो है ना, यहाँ पे अपने पास क्या है, दो कंडक्टर है। एक बात ध्यान देना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कंबाइंड करते हैं तो दोनों का एरिया देखो सेम ले लेते हैं, क्या लेते हैं आपका सेम। तो वो सेम लेने पे पता क्या होता है कि दोनों जो कंडक्टर फिट बैठ जाएगा जोड़ने पे। अगर देखो दोनों का एरिया सेम रहेगा तो जब यहाँ पे अगर कंबाइंड करोगे तो है ना आराम से क्या होगा, फिट बैठ जाएगा, समझे बात को, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। देखो ये जहाँ पे दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं इसको बोलते हैं जंक्शन, क्या बोलते हैं जंक्शन। ये यहाँ पे कंबाइंड किए इसको क्या बोलते हैं आपका जंक्शन। और मान लेते हैं कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना मान के बैठते हैं आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका जो टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ आपका T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका टेम्परेचर कितने है आपका T2 डिग्री आपका सेंटीग्रेड पे, कोई दिक्कत नहीं ना। और मान के बैठते हैं कि T1 है आपका ग्रेटर देन कितना है आपका T2, मतलब क्या हुआ हाई टेम्परेचर पे आपका, किस पे आपका लो टेम्परेचर पे, तो धीरे धीरे क्या होगा हीट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो मान लेते हैं इसमें हीट करंट फ्लो कर रहा है आपका H1, और इसमें हीट करंट फ्लो कितना कर रहा है आपका H2 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोला है। ये बताओ यहाँ से हीट करंट H1 का मान निकाल सकते हैं, तुम अभी बताए थे H1 का फॉर्मूला क्या था, H1 क्या फॉर्मूला बताए थे तुम लोगों को, डेल्टा T / R बताए थे, बताया था क्या आप लोगों को, क्या था डेल्टा टी अपॉन कितना था आर, यही था ना, यस सर यही था, नहीं सही तरीके कितना है आपका, ठीक है। ऑब्वियसली बात देखो ए इसका देखो लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, तो आर का मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि आर इक्वल टू आपका टी अपॉन एल होता है, समझे बात, ये और ये पर डिपेंड करता है, तो अलग होगा तो आर का मान अलग होगा, ठीक है। बताओ इसमें अगर तुम निकालो हीट करंट H1 बोले क्या, बताओ H1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हां देखो ये हम लोग को अभी इक्विवेलेंट निकालना है ना, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है इन दोनों के बराबर। ये तुम लोग अगर मान लो समझ में नहीं आता इक्विवेलेंट तो मैं समझो, जैसे मान लो कि है ना कि अपने पास एक रुपए के 10 सिक्का है, समझे बात, आ दुकान पे गए और 10 सिक्का को दे दिए, वापस वो 10 रुपए का नोट दे दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका इक्विवेलेंट, मतलब दोनों बराबर के। इस केस में जब इक्विवेलेंट निकालना है तो ऐसा करते हैं एक और बड़ा सेकंड लेते हैं, एक और लेते हैं आपका बड़ा सरट जो इसके बराबर हो, इसको भी देखो सेम टेम्परेचर पे रखते हैं, इसको रखते हैं यानी ये भी कितने पे आपका T1 टेम्परेचर पे, ये भी किस पे आपका T2 पे, कोई दिक्कत है क्या। ये मान लेते इसमें हीट करंट फ्लो कर रहा है आपका H, समझे बात, और इसका जो K इक्विवेलेंट मान के बैठते हैं आपका KE मान के बैठते हैं, KE का मतलब वहां पे निकाल देते हैं आपका R इक्विवेलेंट, यस सर, यहां पे क्या हो जाएगा आपका K इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये बताओ ये इसमें अगर हीट करंट निकालेंगे इस वाले फर्स्ट वाले में, तो बताओ H1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, हीट करंट इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा डेल्टा T, तो डेल्टा T / कितना लिखेंगे बताओ, R हो सकता है क्या, यानी यहां से बोल सकते हैं क्या कि डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ H1 * T1 - θ = T2 / R2 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ
थीटा माइनस आपका टी टू इक्वल टू हो जाएगा एस टू कॉमन कितना हो जाएगा इसको तुम क्या बोलो सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत है क्या? ये तुम एक बात बताओ, अगर मान लो कि थर्ड में अगर तुम लोग को निकालना हिट करंट तो निकाल सकते हैं क्या? इस केस में अगर थर्ड में निकालना तो बताओ कितनी एज इक्वल टू कितना होगा, थर्ड में हिट करंट कितना एज भेज रहे हैं क्या? इस केस में कितना होगा बताओ, डेल्टा टी अपॉन कितना लिखेंगे आपका आर इक्वेलेंट लिख देंगे, समझे बात, आर इक्वेलेंट लिख दो तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा बताओ, टी वन माइनस कितना आ जाएगा टी टू अपॉन देखो आर इक्वेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा टी वन माइनस आपका टी टू इक्वल टू एज हो जाएगा क्या, एज टू टी कितना आ जाएगा बताओ आर इक्वेलेंट, इसको तुम थर्ड। अब देखो क्या होगा, तुम ऐसा करो इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन वन और प्लस टू कर दो, ये इक्वेशन वन और टू को ऐड करो तो मुझे लगता है बताओ देखो टी वन माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस कितना आ जाएगा टी टू, कोई दिक्कत है क्या? अरे बोला यार नो सर, इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ एच वन आर वन और प्लस कितना आ जाएगा एच टू आर टू, ये बताओ यहाँ लग रहा है कि ए और देखो कैंसिल हो गया क्या, तो T1 माइनस आपका T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा H1 R1 और प्लस कितना आ जाएगा H2 N2 आपका R1, कोई दिक्कत है क्या? देखो ये जिस तरह से रेसिस्टेंस अगर मान लो कि ऐड करते थे सीरीज में तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो करंट क्या होता था आपका सेम होता है, करंट क्या होता था आपका सेम होता था। अब देखो अगर मान लो कि यहाँ से तुम हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हीट करते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा जो आपका जो कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है किसे पहुंच जाएगा तुम लोग स्टेडी स्टेट, समझे बात, गर्म करते जाओगे गर्म करते जाओगे, यानी इस वाले केस में ये पूरा जो कंडक्टर है आपका किस स्टेट में पहुंच जाएगा तुम लोगों को स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में मतलब यही हो जाएगा कि देखो जितना देखो यहाँ से हीट इंटर करेगा उतना ही जो किस में इंटर करेगा वहाँ से इतना निकलेगा, समझे बात, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रोटेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी इस केस में बोल सकते हैं आपका कि जितना आपका एच1 का वैल्यू हो जाएगा उतना ही किसका हो जाएगा एच2 का, वो भी अपने इसके बराबर मान के बैठे हैं। यस सर, स्टेडी स्टेट में क्या होगा यहां से इतना हिट निकलेगा इसमें एंटर करेगा फिर इसमें एंटर करेगा ऐसे निकल जाएगा बाहर, समझे बात, इसमें तुम और दो वैल्यू पुट कर दोगे एच कॉमन कर लोगे तो मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा कि t1 माइनस t1 माइनस आपका t2 कंडक्टर और कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा R1 प्लस कितना आ जाएगा R1, इसको इक्वेशन क्या बोल दो आपका चार बोल दो। अब तुम ऐसा करो कि तुम इक्वेशन तीन और चार को कंपेयर करो, करेंगे क्या इक्वेशन तीन ने, देखो इक्वेशन तीन क्या बोल रहा है T1 माइनस T2 इक्वल टू A इनटू R, और A बोल रहा है T1 माइनस T2 इक्वल टू आपका A इनटू R, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा H into R equivalent करके H common कर लिए, क्या हो गया आपका R1 plus R2, S S देखो मर गया, यानी इस केस में देखो R equivalent करके कितना आ जाएगा R1 plus R2, देखो अभी भी देखो क्या है कि क्या बताओ कि कंडक्टर को सीरीज कर सीरीज में ऐड करने में तो कंसेप्ट अभी सेम आ रहा है, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, यहाँ तक देखो बताते हैं क्या बताना है, ये तुम लोग को डेरिवेशन समझ में आया क्या? यस सर, देखो डेरिवेशन समझ में आएगा तब जाके न्यूमेरिकल सब होगा, कांसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, हम नहीं समझेगा सर हमको फार्मूला बता दीजिए ना सर हम जल्दी कर लेंगे सर, फार्मूला हो जाएगा k1 l1 / k2 l2 / l1 + l2, सर ये फार्मूला होता कैसे हमको पता नहीं सर, हम लोग को निकालना है k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, टेंपरेचर से लो टेंपरेचर से कंडक्शन मिलता है, आज आपने जो बरसात भी करवा दी सबको क्या मिलता है,
का, तो मम्मी का एग्जाम कल है, परसों, 16, 12, क्या जिंदगी आ गया यार। लोग कब तक एग्जाम देंगे कि हम सही है? एग्जाम देने का मतलब क्या, इंसान को क्यों करना पड़ता है ना भाई, मैं बिल्कुल सही हूँ तो आप मेरे बारे में सोच रहे बिल्कुल गलत है, ये तो मतलब हो गया ना यार। जो एग्जाम देता है तो इस मान के बैठते हैं कि बच्चा कुछ नहीं आता, बच्चे को खुद प्रूफ करना पड़ता है कि भैया मुझे आता है। इतना गलत सिस्टम है ना। ऐसा सिस्टम है बता, हम लोग इतना थोड़ा ठंड लगता है, जैकेट पता नहीं क्या लाभ नहीं है बॉडी पे, और यूरोप के लोग है ना आइस बात करते रहते हैं बर्फ में है ना, 2 घंटा 4 घंटा कूदे रहते हैं, हमको समझ नहीं आते है। तो कहते यार इंसान है क्या भैया, इंडिया के भी है, कौन से एरिया, जम्मू कश्मीर के मुझे नहीं पता उसे क्या होगा, ब्लड जाएगा समझे बात कैसे बात है यार, मतलब मजे लेने के लिए बनाओ, अरे तुम भी बूढ़ी हो जाओगी 2-3 साल बाद, ठीक है फिर तुम बोल बोलोगे। देखो अब मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर बोलोगे यार देखो सर आप ऐसे बात कर रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, माधुरी दीक्षित पिक्चर आता है कि नहीं आता है? माधुरी दीक्षित पिक्चर आता है? अब नहीं आता ना? आता है। अब नहीं आता होगा? दूसरा आता है? दूसरा नहीं आता है, बहुत कम, तू तो नहीं करता, नहीं आता ना? मतलब मेन में एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कोई मेन लीड बोले पाएगी, समझे बात, खाने का मतलब क्या है, तुम लोगों का टाइम बहुत लिमिट से है, के लिए पता है मैक्सिमम पता है कितने है आपका, 30 सर मलाइका अरोड़ा कितने साल की है पता है? वो तो है ना वो एक्ट्रेस नहीं, वो जज करते हैं, ये पता है तुमको, एक्ट्रेस है ना वो, जी नहीं ये कहां गलती से फिल्म निकाल के गलत बात, वो जो शिल्पा सेट्टी उसको बोलेगा एक्ट्रेस नहीं है, एक्ट्रेस है ना, एक फिल्म काम करता है उसमें वो थी, मैं क्या तुमको बोल रहा हूं, फिल्म करने का मतलब उसको है ना फिल्म चल रही है, तुम उल्टा सोच रही हो, पता नहीं है तुम लोग बाहर नहीं तो पता चलेगा तुम लोग, ऐसी बात नहीं, इतना रुपये इन्वेस्ट क्यों करेगा जब कोई जाएगा नहीं देखने फिल्म, उसको जवान में भी उसी का प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन है शाहरुख खान के, शाहरुख खान के फिल्म से सब आई थी, नहीं इसका उसका प्रोडक्शन है, अरे लोग अपना प्रोडक्शन चलाता है, अरे मैं मुझे पता है उसका प्रोडक्शन का नाम रेड चिली है, समझे बात, थोड़ा सा खुद इन्वेस्ट करता है, समझे बात, शम 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 हो गया। लेकिन हम लोगों को यार इक्वल मान थोड़े निकालना है, हम लोगों को निकालना है तुम लोगों के इक्वल मान, इधर देखो तरफ कर देगा, हो गया, ये तुम लोग है इधर देखो, ये हम लोग को निकाल है उसे मत करो, ये हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू है, के इक्वल का किसका निकालना है, के इक्विवेलेंट का, ध्यान दो के इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, के इक्विवेलेंट का हम लोग जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो एक बार बताओ, अरे
ये थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला कितना होता है, आर इक्वल टू कितना होता है, आर इक्वल टू आपका एल अपॉन कितना होता है के, ये होता है क्या पता, वहां पे आर इक्वल कितना आ गया था, आर इक्वल इक्वल टू आ गया था आर1 प्लस कितना था आर1, यही था क्या। ये बताओ जब आर1 निकाल लेंगे तो आर1 इक्वल टू जो फार्मूला देखो एल है आपका, फिर आर1 को फर्स्ट मान था ना उसका लिमिट कितना मान के बैठे था आप, एल1 मान के बैठे थे क्या, अपॉन के का मान कितना था k1, और एरिया देखो सेम था, कोई दिक्कत है क्या। आर2 का मान कितना है, जो आर2 का लिमिट कितना मान थे l2 मान थे क्या, और k का मान कितना था k2, और एरिया देखो दोनों का सेम था, है क्या, ठीक है। और r इक्वल जो है ना जो कॉम्बिनेशन में निकालते बड़ा वाला उसका कैसे निकालेंगे, r इक्वल टू काट दो आपका देखो लेंथ निकालना है, तो लेंथ क्या था l1 प्लस l2 था नीचे वाले का, तो लेंथ कितना लिखेंगे आपका l1 प्लस आपका l2 अपॉन आपका k, k इक्वल टू कितना होगा k इक्विवेलेंट, और ये कितना होगा आपका l, कोई दिक्कत है क्या। देखो r1 का निकाल लिया, r2 का निकाल लिया, r इक्वल का निकल गया, इसमें तुम वैल्यू पुट करो, इसमें जब तुम पुट करोगे तो देखो k इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है आप लोगों को मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई बस दिखाओ, यानी यहाँ से हो जाएगा तुम यहाँ पे पुट करोगे तो कितना होगा एल वन प्लस आपका एल टू अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू आपका ये इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, एल वन इनटू आपका के वन इनटू ए और प्लस एल टू इनटू कितना आ जाएगा के टू इनटू आपका, ये यहाँ से देखो एल वन प्लस एल टू इनटू के इक्विवेलेंट इनटू ए इक्वल टू देखो वन अपॉन ये अगर कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा एल वन अपॉन के वन और प्लस कितना आ जाएगा एल टू अपॉन कितना आ जाएगा के टू, यही है क्या, ये से कैंसिल हो गया। हम लोग को निकालना क्या था कि कंबाइंड करने पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना आएगा, के इक्वल टू आएगा क्या, तो यहां से तुम और सिंपलीफाई कुछ करना चाहोगे क्या, l1 l2 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू यहां से तुम एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या लोगे यार, है ना, एलसीएम लेने कोई मतलब है नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल देते, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यहां से अगर सीधे निकाल दोगे तो मुझे लगता है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब k इक्वल टू कितना आ जाएगा L1 plus L2 अपॉन इधर नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा L1 upon K1 और प्लस कितना आ जाएगा L2 upon आपका K2, समझे बात को, तो यही अगर दो कंडक्टर को अगर सीरीज में अगर कंबाइंड करेंगे तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, या के इक्विवेलेंट क्या है बताओ, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या है बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी, ये के क्या है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो इसी वाले केस में अगर मान लो कि बोलता है कि अगर दोनों जो कंडक्टर का लेंथ अगर मान लो कि बराबर है, L1 इक्वल टू L2 कर देते हैं, समझे बात, तो ऊपर कितना 12 आ जाता है, यहां L कॉमन कर लेते कट जाता, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या, ये सब केस बनते रहता है। तो मेनली देखो फार्मूला यही है, तुम लोग है ना कॉम कर छाप लो कि अगर इक्विवेलेंट अगर थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है तो फार्मूला कितना होता है, L1 plus L2 upon L1 upon K1 plus L2 upon कितना होगा K2। और एक सबसे अच्छी बात तुम लोग है नोट कर लेना सीरीज में, है ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेट ऑफ हीट करंट क्या होगा, इक्वल होगा H1 equal to H2, इस बात को हमेशा ध्यान देना, हीट करंट क्या होगा इक्वल फ्लो करेगा, उस वाले केस में क्या होता था करंट आपका फ्लो करता था, इस वाले केस में क्या होता है हीट करंट फ्लो करता कितना हो जाएगा L1 plus L2 upon L1 upon K1 plus L2 upon K2। ये फार्मूला आप लोग कब लगाना है, जब दो कनेक्टर किस में हो सीरीज में, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी नदी 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 पानी बच्चों का थोड़ी
तो के बाद आपका कितना आएगा समझे बात ठीक है ऐसा करते हैं कुछ न्यूमेरिकल करते हैं yes, sir. यहाँ सुनेंगे चलिए ये तुम लोग है ना इस पे न्यूमेरिकल करो इस वाले कंसेप्ट पे तुम क्या करो न्यूमेरिकल करो अरे वो रिमझिम नहीं आई क्या कहाँ चली गई हंसिका भी छोड़ दी वो कहाँ गई नहीं पता। तो पता है क्या? नो सर, हम लोगों को तो पता नहीं। नंबर ऊपर नहीं है क्या तुम लोगों को? किसी के पास नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं। किसी के पास ही नहीं है। कैसे तो होगा यार? चल हम ही नंबर दे देंगे फिर। मेरे पास तो नंबर आता ही है। ये तुम लोग है ना एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है ध्यान दे एक बार देखो तुम। एक क्वेश्चन है कि अपने पास दो कंडक्टर है एक कंडक्टर ये है एक और इसमें एक और ऐड कर दिए हैं एक दूसरा कंडक्टर बन गया है ना एक का देखो लेंथ एल है इस वाले का ध्यान देना और इस वाले का लेंथ कितना है थ्री मतलब ये तीनों बड़ा है दिखाई तो नहीं दे रहा इसका थर्मल कंडक्टिविटी देखो के है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है टू के है इसको रखा गया इसको इन पॉइंट ए बोलते हैं इसको बी पॉइंट बोल दे रहा हूँ इसको रखा गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको रखा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड समझे बात तो क्वेश्चन है कि देन फाइंड नंबर वन आपका इसका देखो आर इक्विवेलेंट कितना है और सेकंड आप लोगों को निकालना है के इक्विवेलेंट कितना होगा और थर्ड निकालना है ना मान लो कि जंक्शन का टेम्परेचर थीटा है देन फाइंड जंक्शन टेम्परेचर जंक्शन टेम्परेचर थीटा तो बोल रहा है कि जंक्शन का जो टेम्परेचर जो थीटा है इसका वैल्यू कितना है जंक्शन टेम्परेचर का जो वैल्यू है थीटा उसका वैल्यू कितना है इसका तुम लोग है ना करोगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जंक्शन टेम्परेचर जिंदगी में इतना बड़ा फार्मूला करवा दिया सर हमको समझ में आ गया सर हमारा छोटा सा दिमाग वाला यस सर है ही नहीं मेरी छोटी दिमाग बहुत बात समझ में आ रहा है एक किसी का आंसर आया क्या के किसी का बताओ आंसर अगर आ गया होगा तो सज्जन पुरुष नहीं अरे तुमसे कैसे आ गए तुमसे आने वाला है आंसर कभी देंगे ये बताओ किसी का आंसर आया
किसी का हुआ? बताओ सर किसका आया, कितना आया बताओ? सबसे पहले के ग्रेड बिल कितना आया? हाँ सही है। और आर ग्रेड का? नहीं कितना है? 5L5 5L2KA। सही है। ये सभी लोग यही आया क्या? हाँ। K इक्विवेलेंट की वैल्यू 8K/5। सही है। और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगा 5L/5/2LKA। ये है क्या? यस सर। सभी लोग का अब तुम लोग निकाल के बताओ कि जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा? जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा? तुम लोग जंक्शन टेम्परेचर का तुम लोग है ना वैल्यू निकाल के बताओ कि जंक्शन टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा? जंक्शन टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा? तुम लोग है ना सॉल्व कर लोगे इसको? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी करो इसको। इस वाले केस में जंक्शन टेम्परेचर का वैल्यू कितना आएगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हीट करंट क्या होता है? वो सेम होता है। यही अपने पास है, इसका लेंथ L, इसका लेंथ कितना है? 3L। ये आपका 0°C पे, ये 100°C पे। ये मान लो कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना है पठीटा, इसमें हीट करंट फ्लो करा इंस्ट्रूमेंट से, इसमें हीट करंट फ्लो करा आपका इंस्ट्रूमेंट से। तो बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेट ऑफ हीट करंट क्या होता है? सेम होता है। रेट ऑफ हीट करंट क्या हो जाएगा आपका? H1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? H2 आ जाएगा। यानी अगर H1 इक्वल टू अगर H2 आ जाएगा, H1 इक्वल टू लिखते थे आपका डेल्टा T अपॉन क्या लिखेंगे? R1। इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा T अपॉन इस वाले केस में कितना हो जाएगा? R1। सही है। ये देखो R1 में अगर डेल्टा T निकालोगे तो कितना आएगा? 100 माइनस आपका थीटा, 100 माइनस आपका थीटा। और R इक्वल टू लिखेंगे आपका कितना आता है? L अपॉन कितना आएगा? K into A। तो K into कितना आ जाएगा? इक्वल टू इसमें कितना लिखेंगे बताओ? थीटा माइनस कितना आ जाएगा? 0 सेकंड केस में। थीटा माइनस 0 अपॉन एल अपॉन के आ जाएगा। एल का मान कितना है? 3L अपॉन के। और एरिया के का मान कितना है? 2K। और एरिया का मान आपका ए। इस केस में कितना होगा? एल अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? ऊपर देखो 2 चल जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाओ। ऊपर अगर आप लोग आओगे तो मुझे लगता है कि आ जाएगा 3/2।
100 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा उधर मल्टीप्लाई कर दो, 300 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा, तो 300 इक्वल टू 2 थीटा प्लस कितना आ जाएगा, 3 थीटा, तो 5 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी करने का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले जंक्शन पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अरे तुम लोग समझ में आया क्या? अरे बोलो, ये तुमने बताया था डेरिवेशन में, इस वाले केस में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, हीट करंट आपका समान होता है, जितना इसे हीट पास करेगा उतना इसे पास करेगा, और हीट करंट कैसे निकालते हैं आपका, डेल्टा टी अपॉन आर1, आर1 कैसे निकालते हैं, के अपॉन के कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए तो जंक्शन का टेम्परेचर निकल गया। और ऑब्वियस सी बात है, पर यहां से अगर फ्लो करेगा तो हाई टेम्परेचर पे होगा, एक इस पे होगा लो टेम्परेचर, समझे बात को? जंक्शन टेम्परेचर यानी जंक्शन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी जो डेरिवेशन है न्यूमेरिकल दो अभी है, बढ़िया बढ़िया कल करेंगे हम लोग, समय नहीं बचा, ठीक है।